अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैफ अहमद। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, खैरियत से हूं। ये वीडियो तकरीबन 8 महीने बाद दोबारा से बन रही है। 8 महीने पहले मैं जब कतर में नया नया आया था, 1 महीना मुझे हुआ था, तब मैंने बनाया था कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कतर के ऊपर वीडियो, और वो वीडियो चली थी माशाल्लाह से। लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो कवर करना मैं भूल गया था, और कुछ गलत फहमियाँ थी जिनको इस वीडियो में दूर करूँगा, और वो दूर हो चुकी हैं 8 महीने का एक्सपीरियंस लेने के बाद। तो फिर जो लोग कतर आने की सोच रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है, वीडियो में बने रहें। तो इस वीडियो की शुरुआत होती है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल से। वो सवाल है ये कि कतर में बेड स्पेस या रूम रेंट सिंगल बंदे का कितने का होता है। तो उसका जवाब रहा ये कि भाई एरिया के हिसाब से होता है, आप किस एरिया में रहना चाहते हो। अगर मेन इलाके में रहोगे तो रेट ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक नॉर्मल रेट बता रहा हूँ, एक जो हर जगह पर आपको पड़ जाता है वो रेट मैं बता रहा हूँ, वो है 250 से 350 के बीच में। 250 सबसे लोएस्ट इलाका, और 300 नॉर्मल में, और 350 यानी आप एकदम मेन हब में अगर रहेंगे, ऐसी बात है। लेकिन आप 300 का लेकर चलें तो 300 में आपको बेड स्पेस मिल जाएगा। अब रही बात रूम रेंट की, रूम कितने का है। मान लो अगर आपकी एक फैमिली है तो फैमिली के लिए रूम रेंट कितने का पड़ेगा। तो सेम उसी तरह से ये भी है, अच्छे इलाके में VIP इलाके में रहोगे तो भाई आपका एक सिंगल, पहले बता दूँ रूम में रहेगा क्या, एक सिंगल रूम रहेगा, 1 लैट्रिन बाथरूम रहेगा, किचन रहेगा। ये अगर आप चाहते हो तो जो सबसे कम मिलेगा वो आपको 1500 मिलेगा, बहुत खोजने 1500 मिलेगा। उसके बाद फिर आप 2000 लेकर चलें, 2000 लेकर चलेंगे तो आपको ठीक ठाक रूम मिल जाएगा कतर में। यहाँ पे बहुत महंगाई है रूम के हिसाब से। सऊदी में अगर आप लेंगे तो यही आपको 1000 रियाल में मिलेगा 6 महीने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको 1500 से कम तो मैं नहीं देखा कहीं पे भी मिलता हुआ। अगर कोई बताए, किसी को मिला हो 1000 रियाल में रूम, अच्छा रूम, तो भाई नीचे बता दो, लोग जाकर जो यहाँ पे आ रहे होंगे भाई इनको दिला दो, वो आपसे रब्ता करेंगे। तो अब ये तो बात हो गई रूम रेंट की, और बात हो गई बेड स्पेस की। अब बात करते हैं खाने की कि इंसान का महीने का खाने का खर्चा कितना आता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो मेरा आता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो आप देखें, अगर आप मेस में खाते हैं किसी के, अपने जो लोग रूम में रहते हैं उनके साथ खाएंगे, तो आपका ले दे के 250 रियाल महीने का पड़ जाएगा। ये 250 रियाल में आपका खाने का हो गया। उसके बाद आप वाईफाई लगा होता है, वाईफाई अगर आप चलाएँगे तो वाईफाई का माने तो आप नॉर्मल आता है 20-30 रियाल अगर ज़्यादा लोग हैं तो। लेकिन मेरे रूम में तकरीब, मतलब मेरे फ्लैट में 6 लोग हैं, तो शेयर करने के बाद 7 लोग हैं, फ्लैट की बात कर रहा हूँ, तो तकरीबन ले दे कि अगर आप माने तो मेरा जो पड़ता है 42 रियाल पड़ता है महीने का, 42 रियाल महीना मैं वाईफाई देता हूँ। तो ये आपका हो गया 250 रियाल खाने का, और 300 रियाल रूम का, और प्लस 550 ये हो गया, प्लस आप 30 रियाल इसका मान लें, नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका हो गया तकरीबन आपका 580 रियाल हो गया। तो ये तो हो गया मेन रूम रेंट, खाना और वाईफाई, ये तो आम सी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं हेयर कटिंग की। अगर आप नॉर्मल से स्टार्ट करेंगे 15 रियाल में दाढ़ी कटती है, 15 रियाल में बाल कटते हैं, कहीं कहीं 20 रुपये बाल का लेते हैं। मुझसे अब ये लोग 20 रियाल बाल का लेने लगे हैं, 15 में डील नहीं होती। पहले 15-15 में कटवाता था। अगर आप शाहनिया में कटवाएंगे तो वहाँ आपका 25 रियाल में दाढ़ी बाल दोनों काट देंगे, लेकिन बकरा में जो है वो आपसे 40 मांगेंगे, थोड़ा आप डिस्काउंट करवाएंगे तो 35 रियाल में दाढ़ी बाल दोनों कट जाएगा। मैं 35 देता हूँ दाढ़ी बाल दोनों का। तो ये हो गई दाढ़ी बाल की बात। अब बात करते हैं, आप ट्रैवल अगर कहीं करते हैं तो ट्रैवल के लिए क्या सिस्टम है। तो देखें, आप जिस भी इलाके में रहते हैं वहाँ पर कारवा नाम की एक बस चलती है। वो बस नंबर हो सकता है, हमारे इलाके में जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पे 134 नाम की बस चलती है, नंबर से बस चलती है। मैं वो बस पकड़ता हूँ, सीधे मेट्रो पहुँचता हूँ। तो आपके इलाके में देखें कि कौन सी बस आती है। ये बस जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, आपको कोई जरूरत, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले क्या था कि मोबाइल में उसका ऐप डाउनलोड करें और जैसी बस में चढ़ें स्कैन कर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं कितनी बार सफ़र किया हूँ अभी तक मैंने स्कैन नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो सिर्फ ऐसी बस शो के लिए हो गया है। तो बस फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस मेट्रो का आपका किराया लगता है, आप मेट्रो का कार्ड बनवा लें। मैं अभी तक कार्ड नहीं बनवाया। अगर आप कार्ड नहीं बनवाना चाहते हैं तो आप क्या करें कि डे पास होता है 6 रियाल में। पहले वर्ल्ड कप के वक्त मैंने लिया था 5 रियाल में मुझे पड़ा था, लेकिन अब ये 6 रियाल में 1 डे का। आप कहीं पर भी जाएँ, कितनी बार सफ़र करें मेट्रो से, आपका वही 6 रियाल में हो जाएगा बस। ये लेकिन 1 डे का होता है। इस वीडियो में एक चीज़ मिस हो रही थी, वो थी मोबाइल रिचार्ज, लेकिन मैं उसे बताना ज़रूरी नहीं समझता। क्यों नहीं समझता, वो इसलिए क्योंकि जो लोग वाईफाई यूज़ करते हैं वो मोबाइल रिचार्ज नहीं करवाते मेरी तरह, क्योंकि जब वो घर पे होते हैं तो वाईफाई काम देता है, जब वो बाहर होते हैं तो जॉब पर होते हैं। वैसे आम तौर पे बाहर तो वो नहीं निकलते क्योंकि धूप काफ़ी ज़बरदस्त पड़ती है, और खाली वक्त में वो घर पर आराम करना चाहते हैं। और जो लोग बाहर टहलने के लिए निकलते हैं वो 10 रियाल का रिचार्ज कराते हैं। वैसे हफ्ते में इंसान निकलता है जब छुट्टी उसको मिलती है, वैसे आम दिन तो वो घर ही पे रहता है या ऑफिस पे रहता है। तो टॉपिक पर आते हैं।
तो 10 रियाल का आप रिचार्ज करें, चाहे वोडाफोन करें चाहे ओरिडो करें, 10 रियाल में नेट भी मिलेगा प्लस कॉलिंग भी मिलेगी। अगर आप उसमें पैक आता है, अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं 10 रियाल में आप क्या चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक रिचार्ज मोबाइल रिचार्ज पर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँ नए सिरे से, तो आप उस पर कमेंट करिएगा, बंदा हाजिर होगा। तो उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कुछ बताना रह गया हो तो सजेस्ट कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखें, डॉ बाय, अस्सलाम वालेकुम।